हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग देख सकते हैं अक्षय क्या कर रहा है। ये अक्षय का कज़न आया हुआ है, हर्ष पुंडरी से आया हुआ है। इसकी बुआ का बेटा है ये, और ये अपने कज़न के बाल बना रहा है। ये छुट्टियों में ऐसे ही मस्तियां करते रहते हैं, सारा दिन शरारतें करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी प्याज का परांठा बनाना। आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरी वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये प्याज काट लिए हैं, धो लिए हैं अच्छे से, और इनको बीच में से आधा आधा काट लिया है मैंने। और ये मेरे पास चॉपर है, मैं इसमें इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। तो इस मैं पूरे प्याज को इसमें डाल रही हूँ वन बाय वन, और ऊपर से इसको प्रेस कर रही हूँ जिससे कि सबके छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। हमें हाथ से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम टाइम लगता है और इजीली पूरे प्याज परांठा बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी से, एक मिनट भी नहीं लगा और सारे प्याज छोटे छोटे पीसेस में कट चुके हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए आप, पूरे प्याज रेडी हो गए हैं परांठा बनाने के लिए, और इक्वल पीस कटे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। और अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया ऐड किया है मैंने, टेस्ट अच्छा आता है हरे धनिए का, कोई भी परांठा अगर हम बनाते हैं तो। और अब मैं बनाने जा रही हूँ इसका परांठा। तो देखिए आप लोग कैसे बना रही हूँ मैं। ये मैंने एक लिया है छोटा सा आटे की लोई बना ली है, जिसे हम लोग पेड़ा भी बोलते हैं। अब इस पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है, एक लेयर लगाई है सूखे आटे की, और मैं इसको बेल रही हूँ। अब मैं इसमें नमक लगाऊंगी थोड़ा सा। पूरे उसमें हम नमक नहीं लगा के छोड़ सकते, क्योंकि प्याज थोड़ी देर में पानी छोड़ देते हैं तो वो रोटी गीली गीली बनती है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर भी नमक स्प्रेड कर रही हूँ और इसे लपेट लूँगी, एक इसकी पॉकेट सी बना लूँगी। और इस पे फिर देखिए आप लोग ये कैसे हो गया है। फिर इस पे एक कोटिंग करूँगी सूखे आटे की, और इसे हल्के हाथ से ही, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से ही इसको बेल लेना है। और ये परांठा हमारा अब तवे पर सिकने के लिए रेडी हो चुका है। तो तवा मैंने गरम कर लिया है, तवा गरम होने के लिए रख दिया था, और ये परांठा मैंने उस पर डाल दिया है। तो अब मैं इसे सिकने दूंगी अच्छी तरह से, और ये जब एक तरफ से सिक जाएगा तो मैं इसे पलट दूंगी। आप देखिए ये एक तरफ से सिक गया है और मैं इसे पलट रही हूँ, और ये जब दोनों साइड से सिक जाएगा तो मैं इस पे घी लगा दूंगी। देखिए दूसरी साइड से भी ये पक गया, और अब मैं इस पे घी लगा रही हूँ। मैं देसी घी लगा रही हूँ, हमारे घर में परांठा देसी घी से ही खाया जाता है, रिफाइंड वगैरह यूज़ नहीं करते हम लोग परांठे में, सब्जी में तो कर लेते हैं। तो ये देखिए परांठा अच्छे से सिक रहा है, एक साइड से सिक रहा है। एक ही साइड में घी लगाते हैं हम, दूसरी साइड में नहीं लगाते। तो थोड़ा सा मैं ऊपर से लगा रही हूँ, क्योंकि जो तवे पर लगा कर सेका था वो तो तवे पर ही रह जाता है, तो सूखा सूखा सा परांठा अच्छा नहीं लगता है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, परांठा बनकर रेडी हो गया है। आप लोग भी खा लीजिए। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक हेयर स्टाइल। अब मैं आ गई थी पार्लर में, और ये मैंने आगे का स्टाइल बता रही हूँ मैं आप लोगों को। आगे की फ्रेंच बनानी, तो मैंने पार्टीशन कर लिया था जितने एरिया में हमने अपना स्टाइल बनाना है, और थोड़े से बाल उठाए उसके मैंने तीन पार्ट्स किए, जैसे हम चोटी घूमते हैं, और एक एक लेयर मैं उसके साथ ऐड करती जा रही हूँ, और धीरे धीरे ऐसे ही आगे आगे बढ़ती जाऊँगी, एक एक लेयर उठाती जाऊँगी, उसमें ऐड करती जाऊँगी। और ये आगे का स्टाइल बहुत आजकल इन है, ट्रेंड में है, और बहुत अच्छा लगता है बना हुआ गर्ल्स वगैरह पर। मोस्टली सब लोग इसे बनवाना पसंद करते हैं। तो देखिए एक एक लेयर उठाकर इसमें ऐड करती जा रही हूँ, और फिनिशिंग के साथ बनाना है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को लास्ट तक इंजॉय कीजिएगा। तब फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।